मैंने इंटर किया, मैंने पीजी डिप्लोमा किया, मैंने एमए किया। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया, आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, 15 साल मैंने यही किया है यही, तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूँ, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहाँ से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूँ अपने आप से, रोज पूछता हूँ अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या। FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का न सही, 5-6 इंच का है सीना, है सीना तान में बंद कर देते हैं ना, तो वो भी झूठ है, वो झूठ है। और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में, 1.5 महीना क्या करूं, बच्चा कैसे पालूंगा अपना, 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब आक्रोशित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था, मैं कहूंगा सीने ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा। भूखा मर सकता हूँ। बचपन मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले। हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चल पढ़ाना होगा। फेसबुक पे जो ये उनकी सोशल आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र प्रहनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे, हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें। लेकिन खड़ा हूँ और सीना ठोक के खड़ा हूँ, जो करना है कर लो। सच बोलना देशद्रोह है, वो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे जेल में डालो। अभी एक सवाल और आएगा, सोशल मीडिया और भी उठा लेगी उस सवाल को भी। वो सवाल ये होगा कि आखिरकार तुम इस मंच पे क्यों आए? आखिरकार भैया सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए चरण मारे लगाने का है, सुन लो। मैं यहाँ आया हूँ है ना, मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया, गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ठिकाने पे क्यों नहीं गया।
अरे यार ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रबी महफिल टूट पड़ी। और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, ये दिन भी आ सकता है, लेकिन उसका भी विकल्प उन्होंने ने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे, अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है झोली फैला के गांव गांव घूमेंगे। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.